रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक और नया ट्रेंड चल रहा है और जो कि है वेरिफिकेशन वाला। मतलब कोई 700 रुपए दे के वो वेरिफिकेशन बैच ले रहा है। आप अगर लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर ले लिए हो तो कमेंट करके बताओ। ये तो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो फोटो एडिटर होके ऐसे मौके पे फोटो ना बनाए तो क्या सीन रहेगा। लेट नाइट शूट चल रहा है, तो क्यों लेट नाइट शूट चल रहा है वो हम वीडियो में आगे बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इम्तियाज हाजिर है एक और नए वीडियो के साथ। तो ये फोटो हमने कल रात को क्लिक किया था, बिहाइंड द सीन मैंने इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिया था। और आपने इंस्टाग्राम में हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना जल्दी से। तो जो मैं कह रहा था, हमने शाम को ये पोस्ट किया था, उसमें तो बहुत सारा मिक्स्ड कमेंट आया था, लेकिन कुछ कमेंट था कि मतलब इसका ट्यूटोरियल चाहिए। तो ये रहा फुल ब्रेक डाउन, एकदम ए टू जेड हम बताएंगे इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी रहेगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो इम्तियाज एडिट, आपका भाई का चैनल आ जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी 20K प्लस सब्सक्राइबर ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको मेरा सभी बैकग्राउंड और पीएनजी मिल जाएगा फुल एचडी में, जो आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। तो स्केच बुक में हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड इंपोर्ट किया है, अभी हम अपने सब्जेक्ट को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो ये वाला वीडियो हमने आई बटन में भी दे दिया है, आप चेक कर सकते हो। वीडियो को देख के आप फुल बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं मोबाइल में वो फुल जान जाओगे। तो अपने कटआउट वाले फ़ोटो को इंपोर्ट करने के बाद अभी हम कुछ PNGs ऐड करेंगे, जिसका लिंक हमने बता दिया है, हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। देन उसको एडजस्ट कर लेंगे प्रॉपर। देन दूसरा PNG ऐड करेंगे, उसको भी एडजस्ट कर लेंगे। अभी हमारा जो सब्जेक्ट का इमेज है उसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे एंड उसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। थैंक यू, आप सभी लोग इतना सारा प्यार देते हो इसके लिए। हम इसी की तरह एक छोटा सा लाइक इनका टारगेट रखेंगे, तो 400 लाइक कर देना इस वीडियो पे, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। तो लास्ट और एक PNG रह गया है, जो कि हमारे फ़ोन के स्क्रीनशॉट का। तो वो कैसे बनाएंगे, तो पिक्सल लैब ऐप ओपन कर लेंगे। देन इस वाले टैब पे जाके अपने फ़ोटो के इंपोर्ट कर लेंगे एंड 3D रोटेट करके अपने फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अभी ट्रांसपेरेंट करके इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। तो स्केच बुक में वो फोटो ला के हम ओपेसिटी कम करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे डिलीट कर देंगे। एक एम्प्टी लेयर हम चूज कर लेंगे, देन उसका ब्लेंडिंग मोड हम कर देंगे सॉफ्ट ग्लो। अभी हम एक ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे, सॉफ्ट ब्रश, देन उसे जूम करके अपने फोटो के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, जिससे एक ग्लो का इफेक्ट आ जाएगा अपने फोटो में। तो फाइनल एक इफेक्ट ऐड करने के लिए हमें पार्टिकल्स वाला इफेक्ट ऐड करेंगे और उसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट जो रहेगा उसे हम इरेज कर देंगे। इससे एक एनवायरनमेंट का इफेक्ट आ जाएगा अपने फोटो में। फोटो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसीलिए हम उसमें लोगो ऐड करेंगे अपना। तो फोटो हमारा एडिट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक चीज़ रह गया है, जो कि है कलर ग्रेडिंग। उसके बिना तो फोटो हमारा अधूरा है। तो लाइट रूम में फोटो अपना इंपोर्ट करने के बाद आप जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपके फोटो के हिसाब से कर लेना, जिससे आपका फोटो ऑटोमेटिकली अच्छा दिखे। तो यहाँ तक आ चुके हो तो आप सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगा। तो मोबाइल में एडिट कर रहे हो और लाइट रूम के इस ट्रिक के बारे में नहीं पता तो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को जल्दी से देखो। वीडियो में लिरिक्स कैसे ऐड करता है वो जानना है तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो।